गंज में पुलिस के द्वारा 5 मुख्य मार्गों को पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया। इसके अलावा अवैध रूप से घूमने वाले लोगों के चालान भी किए हैं। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज में पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन में सख्ती दिखाते हुए नगर के 5 प्रमुख मार्गों को पत्थर द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया है तथा बिना किसी कार्य के बेवजह घूम रहे वाहन चालकों के चालान भी किए। नगर में पैदल मार्च करते हुए माइक के द्वारा जनता को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज देवेंद्र सिंह ने सभी बैरिकेडिंग मार्गों का जायजा लिया। ज्ञात हो कि लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लापरवाही बरतने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज देवेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है तथा बताया कि सिरसागंज के अराव रोड, इटावा रोड, सौथरा रोड, करहल रोड मार्गों को बैरिकेडिंग कर दिया है, जिससे लोग अनावश्यक रूप से वाहन लेकर बाहर ना घूमें। इसके बावजूद भी अगर कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाएगी तथा शासन की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। शासन के निर्देशों के अनुपालन में आंशिक जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कुल मिला के जो हमारा मार्केट है सिरसागंज, उसको जो है 5 जगह से बंद किया गया है। करहल रोड, अराव रोड और आपके टावा रोड, जो ये जो अनावश्यक रूप से टहल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। और जो दुकानों की सूचना आती है कि व्यापारी जो है दुकानदारों को अनावश्यक खोल के सामान बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो टोटल जो है सरकार का निर्देश, उसका अनुपालन कराया जा रहा है पूरे शहर में, पूरे सर्किल क्षेत्र में। गलियों में, मेन मार्केट में लाउड हिलर माइक से या जो भी उनका एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, जो है जरूरी दूरी बना के रखें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं और सवेरे जो खुलने का मार्केट का 6 से 10 है इसका अनुपालन कराएं। ये जो है निर्देश जारी किए गए हैं, इन्हीं का अनुपालन कराया जा रहा है। गाजियाबाद।